हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्नब कुमार चक्रवर्ती एंड नॉलेज प्राइम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टू व्हीलर्स तो हम यूज़ करते ही हैं, अब चाहे वो स्कूटी हो या फिर हो बाइक। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब पुलिस चेकिंग होती है तो पुलिस कई सारे ऐसे लोगों को पकड़ती है जिन्होंने या तो हेलमेट नहीं पहने होते या फिर उनके पास अपने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होते या फिर और भी कोई रीज़न हो सकता है। पर आज मैं आपको एक ऐसा रीज़न बताऊंगा जिसको सुन के आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि पुलिस वाले ऐसे कैसे पकड़ सकते हैं। तो एक केस ऐसा ही सामने आया है, एक वीडियो कुछ दिन पहले यूट्यूब पे अपलोड हुआ था, वेस्ट बंगाल का वीडियो है, कोई सोदपुर नाम का आई थिंक जगह है, वहाँ का वीडियो है, 15 मिनट्स लंबी वीडियो है और सब वो बंगाली में बात कर रहे थे। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि टोटल बात हुआ क्या। तो बात ऐसी है कि सोदपुर में कहीं पे पुलिस चेकिंग चल रही थी तो वहाँ पे खड़े पुलिस वाले ने एक बाइक वाले को रोका और ये कह के चालान काट दिया कि उसने अपने बाइक में डेजलिंग लाइट लगाए हुए थे। डेजलिंग लाइट वो होते हैं, मान लीजिए जब भी आप रात को ट्रैवल करते हैं तो आपने कुछ गाड़ी के हेडलाइट्स ऐसे देखे होंगे कि जब भी आप उन हेडलाइट्स की तरफ देखते हैं तो आप टेम्पररी ब्लाइंड हो जाते हैं, आप कुछ देख नहीं पाते, तो ऐसे लाइट्स को डेजलिंग लाइट कहते हैं। जबकि उसके गाड़ी में डेजलिंग लाइट नहीं लगा था, जो भी हेडलाइट था वो टोटली कंपनी फिटेड था और जो गाड़ी थी वो थी TVS Apache RR 310, रेड कलर की गाड़ी थी। रेड कलर से याद आया, नीचे एक सब्सक्राइब बटन लिखा होगा रेड कलर का, उसको दबा के ग्रे कर देना है, ग्रे कलर थोड़ा अच्छा लगता है। तो जब उस बंदे ने देखा कि उसको उसके साथ गलत हो रहा है तो उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और पूरे सिचुएशन की वीडियो रिकॉर्डिंग करना चालू कर दी, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस थी। तो उसके बाद उसका पर्ची काटा जा रहा था और उसमें लिखा गया था कि यूजिंग डेजलिंग लाइट, यानी डेजलिंग लाइट का यूज़ किया गया इसलिए उनका चालान काटा गया, 100 रुपये का चालान काटा गया था। पर ये तो गलत है कि जब उसने डेजलिंग लाइट यूज़ किया ही नहीं तो फिर भी उसका चालान कैसे कट गया। तो हो सकता है कि आजकल आपने देखा होगा कि जो नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें LED प्रोजेक्टर लैंप्स लगे रहते हैं जो कि बहुत पावरफुल रहते हैं, वाइट कलर के आपने देखे लाइट्स लगे रहते हैं, तो वैसे लाइट लगे थे उसके गाड़ी में। और हो सकता है, अगर एक्चुअली क्या है, वो सिटी एरिया था तो हो सकता है उसने हाई बीम में गाड़ी चलाया होगा जिसके कारण पुलिस वालों के आंखों में लगी वो लाइट और वो टेम्पररी ब्लाइंड हो गए, जिसके कारण पुलिस वालों को लगा कि उसने अपनी गाड़ी में डेजिंग लाइट लगाए हुए हैं। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सिटी एरिया में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे रात को या फिर दिन को, और अगर जहाँ से आप क्रॉस कर रहे हैं, अगर मान लीजिए सपोज़ हम अगर रात को किसी रास्ते से क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं एंड फिर भी आप हाई बीम में गाड़ी चलाते हैं और पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। क्योंकि सिटी एरियाज में जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं वहाँ पे हाई बीम का यूज़ करना इलीगल है। मुझे ठीक से नहीं पता क्योंकि मैंने कई सारे रिसर्च की, मैंने कई सारे वेबसाइट्स चेक किए जहाँ पे मैंने मोस्टली ये देखा कि अगर आप सिटीज एरिया में अगर हाई बीम में गाड़ी चलाते हैं तो आप ये एक इलीगल काम करते हैं और इसका आपको चालान देना पड़ेगा। और भी हाई बीम जो लाइट्स होती है उससे रिलेटेड ऐसे कई सारे लॉज बनाए गए हैं और ये हमारी सेफ्टी को ध्यान में रखते ही बनाए गए हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल जितने भी रात को एक्सीडेंट्स होते हैं वो ऐसे ही लाइट्स के कारण होते हैं, क्योंकि हम टेम्पररीली ब्लाइंड हो जाते हैं जिसके कारण हमको सामने कुछ दिखता नहीं है और जाके एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए कुछ ऐसे लॉज बनाए गए हैं। प्लीज़ आप अवॉइड करिए जब भी आप सिटी एरिया में रात को क्रॉस करते हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, तो वहाँ पे आप हाई बीम का यूज़ ना करें। अगर आप किसी गांव वाले एरिया से जा रहे हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड खाली है, तब आप वहाँ पे हाई बीम का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे आप हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वहाँ पे हाई बीम यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आप रूरल एरिया में जा रहे हैं, आप हाई बीम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तब आप हाई बीम से उसको लो बीम में कर दीजिए। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं जिसे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, पर बहुत लोग को इस बारे में जानकारी नहीं होती है और वो ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण या तो उनका या तो फिर सामने वाले का एक्सीडेंट हो जाता है। तो गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पुलिस वाले ने चालान काटा कि उसने अपनी गाड़ी में डेजिंग लाइट यूज़ किए हैं, तो ये जो डेजिंग लाइट्स होते हैं ना, ये मॉडिफिकेशन करके लगाए जाते हैं, क्योंकि जो कंपनी ना उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसके अंदर ही उनको ये सारे पार्ट्स फिट करने होते हैं, तो उनके रूल्स के अंदर या फिर जो आप कह सकते हैं बेंचमार्क है उसके अंदर डेजलिंग लाइट का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये सब जो होते हैं ये मॉडिफिकेशन के अंदर कराए जाते हैं, आप आफ्टर मार्केट इसको करवा सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि इलीगल हो जाती हैं, या फिर जब भी आपका एक्सीडेंट होगा तो आपको उसमें जो आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो उसमें आपको इंश्योरेंस क्लेम का पैसा नहीं मिलेगा। तो जैसे अगर आप अपने गाड़ी में डेजलिंग लाइट लगवा रहे हैं, या फिर आपने बहुत लोग ऐसे देखा होगा जो उनके गाड़ी का हेडलाइट होता है ना,
वहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर का लाइन, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का ऐसा लाइन लगवा लेते हैं फैंसी दिखने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, जो इंश्योरेंस क्लेम होता है उसमें आपको पैसा नहीं मिलता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, बहुत लोग सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं या फिर जब नया कार परचेज करने की बात आती है तो बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग नहीं, मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं कि पहले सेकेंड हैंड गाड़ी पे हम अपना थोड़ा हाथ स्टेयरिंग व्हील सेट कर लेते हैं, अपना पैर थोड़ा जमा लेते हैं, उसके बाद हम नई गाड़ी की तरफ जाएंगे। और ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ होती है तो उनके जो फर्स्ट ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को रीपेंटेड करवा लेते हैं। जिसका मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल वाइट कलर की गाड़ी है तो उस पर ब्लैक कलर का पेंट करवा लिए, तो ऐसी उनका अगर इच्छा होती है तो वो चेंज करवा लेते हैं। और अगर आप जब गाड़ी परचेज करते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है हमको, उसके अंदर लिखा रहता है कि आपकी गाड़ी कौन से कलर की है। अगर आप उसको ध्यान देंगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे कलर लिखा रहता है, क्योंकि मैंने अपनी स्कूटी का चेक किया एंड वहाँ पे लिखा हुआ था कलर फेरी रेड, जो रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन आता है उस कलर का मेरे स्कूटी है, और उसी में कलर के ऑप्शन में लिखा था फेरी रेड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं वो ये चेक कर लीजिए कि अगर अगर आप फॉर एग्जांपल कार खरीद रहे हैं, अगर वाइट कलर की कार है तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर गाड़ी रीपेंटेड है तो वो वाइट कलर में ही हुई हो, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र होगा तब आपको क्या बोलते हैं, आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया और वो देखेगा कि आपकी गाड़ी का कलर तो अलग है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अलग कलर है, तो आपको फाइन देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आफ्टर मार्केट से कुछ भी कराते हैं तो वो कंपनी के जो क्या बोल सकते हैं, जो एक लिमिटेशन होती है उसके अंदर वो नहीं आता है, और जो भी वारंटी ये सब होती है वो उसमें सारे ब्रीच हो जाते हैं, वो उसमें वारंटी आपकी काम नहीं करेगी और जो इंश्योरेंस क्लेम है वो भी आपका काम नहीं करेगा। तो जब भी आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो मेक श्योर कि जो रीपेंटेड गाड़ियां हैं वो सेम कलर में हुई हो, या फिर अगर दूसरे कलर में रीपेंट हुई है तो उस देख लीजिए कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें भी वो कलर है, जो कलर रीपेंटेड हुई है वो कलर उसमें दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप उस गाड़ी को मत खरीदिए, क्योंकि आपको ही उस आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और यदि अगर आपको लगता है कि आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी या फिर कुछ नहीं होगा, देन आप खरीद लीजिए। एंड ये जो पूरा सिचुएशन हुआ जो वेस्ट बंगाल में हुआ, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था इस केस से ही रिलेटेड, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा रेफरेंस के लिए, आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं आपको अपनी थोड़ी पर्सनल बात बताता हूँ कि जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे थोड़े पार्ट के लिए हंसी आ गई थी, क्योंकि मैंने देखा कि दोनों मतलब इतने बहस कर रहे थे, दोनों पार्टी पुलिस वाले और वो आदमी, कि पुलिस वाला इरिटेट हो गया और बोलता मैं तो चालान काटूंगा, तुमको जो करना है कर लो, मेरा नाम यहाँ पे लिखा है देख लो, आंखें हैं तुम्हारे पास देख लो, नाम है, और जिसको कंप्लेंट करना है कर दो। तो सामने वाली पार्टी भी बोलती है हाँ मैं तो करूंगा कंप्लेंट, तुम देखो बस इसको देखो। तो ये थोड़ी थोड़ी फनी सिचुएशन टाइप का हो गया था। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।